फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, किरण विंग गार्डनर से। आज मैं फ्रेंड्स आपको एरिनियम की कटिंग किस तरह से लगाते हैं वो बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा एरिनियम का प्लांट है जो ऑलरेडी मेरा 3 साल हो चुका है ये प्लांट का, और देखिए इसके कॉर्टेक्स कितने बड़े हो चुके हैं। और ये मेरा दूसरा है जिसके अभी हाल फिलहाल में मैंने कटिंग की थी, ये देख सकते हैं, पर इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है दूसरे गमले में, आजकल मैं करूँगी। और इसकी जो कटिंग मैंने यहाँ पर देखी लगाई है फ्रेंड्स, कल ही मैंने इसको लगाई थी। और ये देखिए, पर मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई, और इसकी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, और जब इसकी कटिंग की थी मैंने तो इसकी कटिंग यहाँ पे है फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारी ये है कटिंग मेरी तैयार हो चुकी है ये वाली, देखिए। अब मैं इसको अपने गमले में तैयार करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी थी और लगेगी, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी। उसके बाद 4-5 दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ दिया था, देखिए इस तरह से हो गई है सूखने के बाद, क्योंकि तुरंत हमने काटने के बाद तुरंत एरिनियम की कटिंग नहीं लगाना चाहिए, उसमें फंगीसाइड लगा के छोड़ देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, और मैंने वैसे ही किया था। देखिए कुछ दिन बाद छोड़ने के बाद मैं इस तरह से हो गई, और आज मैं आपको कटिंग इसकी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा पॉटिंग मिक्स, ये फ्रेंड्स इसकी पॉटिंग मिक्स है, ये है सेल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, ये है नीम खली, और यहाँ पर मैंने ये 30% मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट हल्का सा लिया था 20%, यहाँ पे सैंड है 20%, और ये रेड और ये फंगीसाइड है फ्रेंड्स, और यहाँ पे है थोड़ी सी बोन मील्स। अब इन सबको मैं मिक्स करती हूँ। ये फ्रेंड्स अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये गमला लिया हुआ है, ये छोटा सा गमला है, कटिंग के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स ये, और इसमें मैंने ये होल्स बंद कर दिए हैं, देखिए इसी तरह से उसमें ये सारे पॉटिंग मिक्स में भर दूंगी। हमने इसमें सैंड की मात्रा से ज़्यादा ली है फ्रेंड्स, देखिए आपको सैंड दिखाई दे रही होगी वाइट वाइट करके, और इसमें हल्का सा मैंने परलाइट भी मिलाया है। इस तरह से दबा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद पहले मैं इसमें फंगीसाइड का पानी डालूंगी हल्का सा। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंगीसाइड का पानी करने वाली हूँ, ये देखिए हल्का हल्का सा फंगीसाइड हम लोग डालेंगे इसमें ताकि अच्छे तरह से ये अब्सॉर्ब हो जाए। अब छोड़ देना है, देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गई है पानी। अब हमें इसमें कटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये एलोवेरा लिया हुआ है, एलोवेरा का अभी ये जेल लिए हमने, थोड़ा सा इसमें डिप करना है फ्रेंड्स इस तरह से, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देखिए इस तरह से। उसके बाद इस तरह से हम कटिंग लगाएंगे, पॉट की कमी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं हर पॉट में 5-5 लगाऊंगी, 5-6, फिर जब रूट आने के बाद मैं अलग अलग कर दूंगी, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैंने इतना लगा लिया फ्रेंड्स, अब बाकी मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और उसके कुछ सेट एरिया में रख दूंगी। इसी तरह से फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे एरिनियम के प्लांट हो जाएंगे रेडी। पिछले साल भी मैंने किया था फ्रेंड्स कटिंग, और मेरी सक्सेस भी हो गई थी, और इस साल भी फ्रेंड्स मेरी देखिए इतनी सारी कटिंग मैंने रेडी कर ली है, और इन सबको मैं फिर अलग गमले में लगाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।